वैसे तो शिवानी को ये बात पता है, पर अगर वो दोबारा सुनेगी तो थोड़ा नाराज होगी, पर मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने फैसला ले लिया था कि अगर मुझे ये काम नहीं करना तो मुझे नहीं जीना, और शिवानी मेरे साथ कुछ हद तक घसीटी गई। जब हम US गए तो हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, हमें हमेशा ये हिसाब लगाना पड़ता था कि इंडिया आने के लिए हमारे पास साल के अंत में इतने पैसे हों कि हमारी टिकट निकल आए। रॉबिन को तो वहाँ पे जॉब मिली थी, पर मैं वहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे गई थी, यानी कि मुझे वहाँ पे लीगली काम करना अलाउड नहीं था, तो मैंने छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू कर दिया। और जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो थी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जहाँ पे मैंने दरवाज़ों को सैंड और पेंट करना सीखा था। जब कुछ वक्त बीता और रॉबिन ने जब अपनी ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट की, तो मैं उसकी कस्टमर केयर संभालती थी। अब चीज़ें सेम नहीं थी, अब हमने अपना घर ले लिया था, गाड़ी ले ली थी, और हमें कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी रॉबिन उस लाइफ से खुश नहीं थे। तो मैंने भारत का रुख किया कि भाई मैं खुशी ढूंढूंगा। यहाँ आया मैं हिप्पी बन के रहा, मुझे खुशी नहीं मिली। मैंने जीप खरीदी, मैं ट्रैवलर बन गया, मुझे खुशी नहीं मिली। मैं बचपन से ऑरोविल जाना चाहता था, तो ऑरोविल गया। अब वहां पे मुझे एक पोस्टर दिखा जिसमें लॉरेन के बारे में उल्लेख था कि भाई एक लेडी है, बहुत ओल्ड है, बीमार रहती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, 40 से 60 कुत्तों की मदद करेंगे। तो उनके साथ काम करते हुए उनकी हालत तो बेहतर हुई, वो शेल्टर भी रीबिल्ड हो गया। मुझे खुशी तो नहीं मिली, पर मुझे एक जीने का उद्देश्य मिल गया। पर मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो बड़े छोटे स्तर का काम है, हमें अगर कुछ करना है तो ये एक एक कुत्ते की मदद करने के बजाय हमें एक एक कुत्ते को स्टरलाइज करना चाहिए, ताकि ये बच्चे हो ही ना। तो फिर हमने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में हमने डॉक्टर विजय की मदद से एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चालू किया। अब हम एक कुत्ते को उठाने जाते थे और 20 चिकन की दुकानें हम पार करते थे, और जितनी देर में उस कुत्ते को लेके आते थे हजारों मुर्गियां कट चुकी होती थी। तो लगा कि भाई अगर जानवरों की मदद करनी है तो कुछ इससे बड़ा करना होगा। तब हमारे दिमाग में आइडिया आया पीपल फार्म का, कि भाई एक जगह हो जहाँ पे ना सिर्फ जानवरों की मदद हो पर उनकी कहानी लोगों तक पहुंचे। एनिमल रेस्क्यू मेरा कॉज नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया कि रॉबिन जो भी करना चाहते हैं मैं उसमें उनका पूरा साथ दूंगी। रॉबिन जब एनिमल रेस्क्यू देख रहे थे तो हमारा जो US में स्टार्ट किया हुआ बिजनेस था, मैंने उसके फाइनेंसेस मैनेज करने शुरू कर दिए। पीपल फार्म का उद्देश्य था कि एनिमल्स आर हील एंड हर्ट। हील के लिए तो हमारा एनिमल रेस्क्यू प्रोग्राम काम कर रहा था, हर्ट के लिए हमने सोचा कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें हम इन्वॉल्व करें और अपने आइडियाज से उनको इंस्पायर करें। लोगों को इन्वॉल्व और इंस्पायर करने के लिए ये जरूरी था कि लोग फार्म पर आए। और हमने क्या करना शुरू किया कि हमने पोस्टर्स और फ्लायर्स यहाँ के जो टूरिस्टी एरियाज हैं वहाँ पे जाके शॉपकीपर्स को बांटने शुरू कर दिए। वो ज़्यादातर पोस्टर्स कूड़े के ढेर का पार्ट ही बन जाते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इन्हीं प्रोडक्ट्स को इन दुकानों पर रखवाएं। और उसमें हम क्या करते हैं, हम कौन हैं, और कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स का मैसेज भी इंक्लूड करेंगे। अब सवाल ये था कि हम किस तरह के प्रोडक्ट सेल करेंगे। हम फार्म पे अपनी कंजम्पशन के लिए तरह तरह के हर्ब्स ग्रो कर रहे थे, और किचन में यूज़ करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे हर्ब्स बच जाते थे। हर्ब सेल करने से हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला कि उसी के साथ हमारे पीपल फार्म प्रोडक्ट्स की शुरुआत हो गई। उसके बाद अब हम ऐसे फूड आइटम्स ढूंढ रहे थे जो हम अपनी प्रोडक्ट्स लाइन का हिस्सा बना सकें। और उस समय मैं पीनट बटर और मूसली अपने लिए बनाती ही थी। मैंने इसलिए ये बनानी शुरू की थी क्योंकि मार्केट में मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे जिसमें पाम ऑयल ना हो या शुगर का इस्तेमाल ना होता हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को ही और लोगों तक पहुँचाया जाए। मेरा भाई जिमिंग और वेट लिफ्टिंग करता है, और जब उसने मुझे देखा कि मैं खाने के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो उसने मेरे सामने अपनी एक छोटी सी डिमांड रखी। उसने बोला कि तू मेरे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो मैं प्री वर्कआउट के तौर पे खा सकूँ, साथ में उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, वो वीगन होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो रॉ होनी चाहिए। तो मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए और हमने एक ऐसी बार बना ली जो कि ना सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोगों को पसंद आने लगी, पर हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो ट्रैकर्स हैं और हाइकर्स हैं उनके सर्कल्स में भी ये पॉपुलर होने लगी।
बिना मूसली बन गई? कौन सी बन रही है आज, वीगन या? अब प्रोडक्ट्स मैं अकेले नहीं बना रही थी, मेरे साथ और भी गांव की लड़कियां प्रोडक्ट्स बनाने में जुड़ गई थी। उनका ये प्रोडक्ट्स बनाना एक इतने बड़े कॉज को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो अपनी एक आइडेंटिटी भी बना रही हैं, उन्हें ये बात महसूस कराना भी मेरा एक बहुत बड़ा काम बन गया था। पर इसके साथ एक नई प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब यहाँ पे टूरिस्ट सीजन ख़त्म हो जाता था तो हमारे पास कोई काम नहीं होता था। तभी हमने रिक्लेम डच पीपल फार्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब इसमें क्या होता था कि जो हमें पुराने कपड़े डोनेशन में मिले हैं या हमारे पास कोई टुकड़े बच गए हैं फैब्रिक के, उससे हमने पाउचेस बनाने शुरू किए, एम्ब्रॉयडर्ड हुप आर्ट बनाना शुरू किया, हमने क्लोदिंग लाइंस बनानी शुरू की और साथ ही साथ हमने ब्रोचेस वगैरह भी बनाने शुरू किए। ये बन गए हैं, ये जोड़ी में बने हैं सिंगल? अच्छा, तो इसके अंदर लेकिन कोई बीड लगेगा ना? प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने उसमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए, जैसे कि हमने दिवाली पे गाय के गोबर के दिए बनाए, प्लांटर्स बनाए, पू पॉट्स बनाए। और सेल्स का मतलब था और काम, ताकि मैं और जो यहाँ की गाँव की लड़कियाँ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। और जो इंक्रीज हुआ हमारा रेवेन्यू, उसने हमें सक्षम किया ताकि हम और जानवरों की यहाँ मदद कर सकें। मैं हमेशा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना चाहती थी और प्रोडक्ट्स के जरिए उन्हें रोजगार देने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं एटलीस्ट 100 लोकल लड़कियों को प्रोडक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। मैंने फैसला ले लिया था कि अगर मुझे ये काम नहीं करना तो मुझे नहीं जीना, और शिवानी मेरे साथ कुछ हद तक घसीटी गई। पर देखिए, जैसे बीज होता है ना, वो जब एक डब्बी में पड़ा रहेगा तो रोशनी तक कभी नहीं पहुंचेगा, पर जब वो मिट्टी में दबेगा, उस अंधेरे को सहेगा, तभी वो अंकुरित होके उस रोशनी तक पहुंचेगा। तो शिवानी का पोटेंशियल भी कुछ ऐसा ही है, और आज वो अंकुरित होके एक ऐसे पेड़ में तब्दील हो गया है जो और दसियों लोगों को छाया दे रहा है।